आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, आज चंबा में रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी करेंगे 12 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, आज होगा वर्चुअल कार्यक्रम, पहले चरण में हो रहे 99 करोड़ के काम। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं इस पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, बीजेपी की गौरव यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे अमित शाह, जनता को करेंगे संबोधित। सिंगापुर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से निकले बाहर, इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं लालू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी गुवाहाटी, कई परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। जम्मू में 24 घंटे में फैसला वापस, 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोग नहीं बन पाएंगे वोटर, विपक्ष ने किया था फैसले का जोरदार विरोध। बाढ़ प्रभावित बहराइच और श्रावस्ती का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों जिलों के करीब 1000 गांव बाढ़ से गिरे। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया की तैयारी तेज, आज दूसरा अनऑफिशियल वार्म अप मैच, 17 अक्टूबर को होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट, देहरादून में आज से थमेगी बारिश, पहाड़ों में शुरू होगा बर्फबारी का दौर। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, एक बार फिर लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, यूएन में हुई निंदा। यूएनजीए में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, यूक्रेन के 4 हिस्सों पर कब्जे का 143 देशों ने किया विरोध, वोटिंग से दूर रहा भारत। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले पहुंचे 70,000 के पार, WHO ने सबसे मुश्किल समय के लिए किया आगाह। खालिस्तान जनमत संग्रह को लेकर भारत सख्त, कनाडा से कहा इसे रोकिए और कार्रवाई करिए। इराकी संसद आज करेगी नए राष्ट्रपति का चुनाव, इराकी संविधान के तहत 329 सीटों वाली संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत। गिरावट के साथ खुले घरेलू बाजार, सेंसेक्स 150 अंक टूटा, निफ्टी 17,100 के नीचे पहुंचा। केंद्र का पहली बार RBI से सवाल, काबू में क्यों नहीं आ रही हैं कीमतें, 6 चीजें छोड़ बाकी सबके दाम बढ़े। बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी का दौर शुरू, इंटेल के हजारों कर्मचारियों पर छटनी की तलवार, कंपनी की सेल्स में आई गिरावट। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए ट्विटर पर ही मांगी मदद, कहा मेरा परफ्यूम खरीद लें। भारतीय अर्थव्यवस्था की IMF ने की तारीफ, बोले साल 2023 में और वृद्धि होने की पूरी उम्मीद।